गलती से कोई ऐसी बातें निकल गई है, अगर उसके लिए क्षमा मांगता है तो हम लोगों को अब उस मामले में आगे नहीं बढ़ना चाहिए। कोई ऐसी बात नहीं जिस पर बार बार बात की जाए। अरे मेरे माफ़ करने से नहीं होता है, जनता को माफ़ करना है। कैसे जनता को भ्रमित किया जाता है, आरक्षण मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये तो बहुत दूर की बात है, लेकिन उन्होंने एक बात फेंक दी है और जनता को भ्रम फैला दिया है। उनको लगता है ये सब करके हम पुनः सत्ता में आ जाएंगे। नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सदन के अंदर जनसंख्या नियंत्रण पर बात कर रहे थे, मगर उसके बाद जो बातें वो करते हैं उसके बाद बिहार में बवाल होना शुरू हो जाता है। बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर संतोष सुमन जी हैं। किस तरीके से इस पूरे प्रकरण को देख रहे हैं, एक तरफ विरोध भी हो रहा है, एनडीए का हिस्सा भी आप हैं, कई लोग विरोध कर रहे हैं, तो आखिर नीतीश कुमार को ऐसी बात कहनी चाहिए? देखिए, जो भी बातें हुई है सदन के अंदर हो चाहे बाहर हो, ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम लोग इस बात को ही मानते हैं कि जो व्यक्ति अगर कुछ गलत किया हो, कुछ गलत मैंने गलती से कोई ऐसी बातें निकल गई है, अगर उसके लिए क्षमा मांगता है तो हम लोगों को अब उस मामले में आगे नहीं बढ़ना चाहिए। कोई ऐसी बात नहीं जिस पर बार बार बात की जाए। तो हमारा व्यक्तिगत यही राय है, कोई ऐसी बातों को जब कोई गलत बात बोली जाती है तो गलत बात गलत ही होता है, उसको जितना बार बोलेंगे तो उसी तरीके से बोली जाएगी, सुनी भी उसी तरह जाएगी, जिससे बेहतर होगा कि इन मुद्दों पर हम चर्चा ना करें, आगे हम लोग विकास के मुद्दों पर चर्चा करें और नीतीश जी को उन मुद्दों पर हम घेरने का काम करेंगे जहाँ गरीबों के लिए और बेरोजगारों के लिए और अल्पसंख्यकों और अति पिछड़ों जो भी हमारे दलित भाई हैं उनके विकास के लिए, चाहे उन्होंने जिस तरह से सर्वे रिपोर्ट पेश किया है उस पर हम लोग बातें करेंगे, आगे भी बातें करेंगे और निश्चित तौर पर उनकी खामियां जो भी है उसको उजागर करते हैं। कई लोग हैं आप ही के हिस्से में आते हैं, वो लोग कह रहे हैं कि पहले उन्होंने विधानसभा में सवाल खड़ा किया, उसके बाद विधान परिषद में, तो जानबूझकर ये सब किया गया, आरोप लगा रहे हैं। अब देखिए, जानबूझ के किया गया नहीं किया गया तो माननीय मुख्यमंत्री जी बताएं, लेकिन जो भी बातें हुई थी वो बात दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन आज उनके तरफ से माफ़ी भी आया है, उनके तरफ से माफ़ कर दिया। अरे मेरे माफ़ करने से नहीं होता है, जनता को माफ़ करना है। हम इतना ही कहते हैं, कोई व्यक्तिगत तौर पर कोई व्यक्ति ने माफ़ी मांगी है और जो बात गलत है उसको कितना बोलेंगे, हम तो व्यक्तिगत रूप में नहीं बोलना चाहते उस सब बातें, इसलिए इस पर चर्चा करना हम समझते हैं। आरक्षण को लेकर कैबिनेट ने मोहर लगा दिया है, 75% आरक्षण की बात कल भी उठी थी और कैबिनेट ने कल ही मोहर लगा दिया, क्या लगता है बड़ा काम करने जा रही है? देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी तो सोशल इंजीनियर हैं और इन चीज़ों के लिए वो जाने जाते हैं, कैसे जनता को भ्रमित किया जाता है। आरक्षण मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये तो बहुत दूर की बात है, लेकिन उन्होंने एक बात फेंक दी है और जनता को भ्रम फैला दिया है। उनको लगता है ये सब करके हम पुनः सत्ता में आ जाएंगे, चुनाव कराना चाहते हैं विधानसभा का। बोलते थे कि प्रधानमंत्री लोकसभा पहले करा देंगे, वो प्रधानमंत्री के लिए नहीं बोलते थे, अपने बारे में बोलते थे कि हम विधानसभा पहले करा देंगे। और ये जो इस तरह क्याबद हो रहा है, शिक्षकों की बहाली का जो ढोंग पीटा जा रहा है, अब इस तरह से आरक्षण की बात की हम बढ़ा रहे हैं, ये सब पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं है। और हम भी जानते हैं कि इनके बस की बात नहीं है, आरक्षण बढ़ाना घटाना है तो केंद्र सरकार का अपना है और एक सीलिंग है, एक लिमिट है, उससे आगे अब नहीं बढ़ा, इन कैबिनेट से पास करके प्रपोजल केंद्र सरकार के पास जाएगा। ये अपनी बात करके दिखा दिया है कि जनता को कि हमने तो काम कर दिया, लेकिन सही मायने में हम तो सर्वे रिपोर्ट की भी बात कहते हैं कि जिस हिसाब से एक कास्ट के जो भुइयां मुसर कास्ट को दिखाया गया है कितना परसेंट उन लोग अमीर हैं और उसका है कि 6000 एक परिवार कमाता है, तो ऐसे अगर कहिएगा तो 90% लोग अमीर हैं। लेकिन ये सामाजिक आर्थिक और सर्वेक्षण था। सामाजिक सर्वेक्षण का मतलब होता है अगर कोई पैसा कमा रहा है उतना पैसा, अगर तो उस पैसों को कितना बचाता है, कितना सदुपयोग करता है और कितना पैसा रख पाता है और उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, उसका एजुकेशन क्या, लिटरेसी रेट क्या है, ये सब देख करके सर्वे तब बोलना चाहिए कोई गरीब में मिल रहा है। इसे तो 400 रुपया और 300 रुपया अगर आप कहते हैं कि जो 6000 है तो 5 परिवार को डिवाइड करते हैं तो 40 रुपया पर डे के हिसाब से आता है, तो इतना तो कोई भी कमा लेता है। तो इस हिसाब से तो 99% हमारे यहाँ सब अमीर हैं, गरीब कहाँ कोई है, तो कोई काम करने की सरकार की जरूरत ही नहीं। लेकिन सरकार उन मुद्दों को देखना चाहिए, शैक्षणिक आधार क्या है, सामाजिक आधार क्या है। एक व्यक्ति जो पढ़ा लिखा रहता है 5000 में अपने बच्चों को पढ़ा देता है, एक वो ही व्यक्ति 50000 महीने कमाता है उसके यहाँ देखिएगा उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और उनके रहन सहन में बहुत फर्क पड़ेगा। तो सोच है और इस सोच को बदलने के लिए सामाजिक दायरा बढ़ाना होगा, सामाजिक जागरूकता लाना होगा और उसी आधार से गणना करना होना चाहिए था कि कौन गरीब है अमीर है। लेकिन इस तरह से सिर्फ एक स्टैंडर्ड फिल कर दीजिए तो मैं कहता हूँ कि जिस समाज से हम आते हैं 99% अमीर है।
चलिए, तो सोच को बदलने के लिए क्या कुछ करना होगा, हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर संतोष सुमन मौजूद थे। क्या कुछ उन्होंने कहा आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।